परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 31 से 40 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु स्वधर्ममभिचावीक्ष्य न विकल्प तुमारसि धर्म्याद्धियुद्धस्य योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ दभन्ते युद्धमीदृशम् अथ ते त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हे त्वा पापमवाप्स्यसि
अकीर्तिं च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययान् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मांस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता नन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरनुके अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् नीत्वा वा भोक्ष्यसि महि तस्मादुत्तिष्ठकान्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समीकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि तेषातिभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगेऽपि मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्श्व कर्मबन्धं ग्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्राजते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्राजते महतो भयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 Hare Sharanam.
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नौमी विक्रम संवत 52 अनुसार 30 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलकाता में हुआ। राम 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 उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवान ने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही है, मानो अपना उद्धार आप करे, अपना पतन आप न करे। ये दूसरा जो हमारे पतन में उत्थान में कारण होता है, ये कारण नहीं होता है, स्वयं ही कारण होता है। और दूसरा कथन कारण हो जाएगा तो फिर ये उद्धार कर ही नहीं सकेगा। कैसे करेगा? दूसरा तो कोई न कोई रहेगा ही, दूसरा रहेगा तब तक उसका उद्धार कैसे होगा? वो अपने में अच्छे गुण धारण कैसे करेगा दूसरों के रहते हुए? दूसरा मिटेगा नहीं सभी, दूसरा कोई अपना उद्धार करने वाला नहीं है, ना पतन करने वाला है। ये जो मन समझ देगा अबू ने मेरे को अमुक आदमी दुख दे दिया, ये बिल्कुल गड़बड़ी बात है, ठीक नहीं, सच्ची नहीं है। दूसरे ने सुख दे दिया, दुख दे दिया, ये हाथ की बात नहीं। दूसरा नहीं को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का ही फल है, अपने किए हुए कर्मों के फल से लोग समझते हैं कि पहले हमने पाप पुण्य किए हैं, उसके अनुसार हमारे को सुख दुख होता है। तो ये किसी अंश में ठीक होने पर पूरी ठीक नहीं है। हम अपने वर्तमान में किसी को सुखदायी किसी को दुखदायी मान लेते हैं, ये गलती होती है। और हम अपने काम से ठीक रहे बैठी न करे तो हमारे को सुख दुख नहीं होता, परिस्थिति आ सकती है। सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति पूर्व के कर्मों का फल है, परंतु सुख देना दुख देना ये दूसरे जाति नहीं है। वो सुखी हो जाओ दुखी हो जाओ, ये आप खुद अपने आप से ही दुखी होते हैं, आप ही सुखी होते हैं। बाहर की परिस्थिति कर्मों के अनुसार होती है, पूर्व में किया कर्म के अनुसार वो भी हमारे किया हुआ है, परंतु अभी जो हम सुखी दुखी होते हैं बिल्कुल कोई कारण नहीं है। पूर्व की परिस्थिति बढ़ने पर भी सुख दुख हमें नहीं हो सकता, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंदित खूब मस्त आनंदित रह सकते हैं, और अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में दुखी हो सकते हैं। स्वयं हमारे उद्धार कर पतन का कोई दूसरा कारण होता तो हम उद्धार कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से उद्धार होता है, भगवान की कृपा से उद्धार होता है, संत महात्माओं की कृपा से उद्धार होता है। तो गुरु और संत महात्मा आप मानोगे तो होगा, अगर नहीं हो जाएगा। किसी को आप गुरु मानोगे, किसी को आप महात्मा मानोगे, किसी को संत मानोगे, तब न वे उद्धार पतन उद्धार करेंगे, पतन को नहीं, आपके बिना मन कर देंगे। अनादि काल से संत महात्मा होते चले आए हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे अच्छे गुरुजन हुए, अच्छे अच्छे माँ बाप हुए, और भगवान का अवतार भी कई बार हुआ है। अगर वे उद्धार कर देते तो हमारा उद्धार हो जाता आज दिन तक। हम अपने सन्मुख नहीं हुए परमात्मा की तरफ, हम सन्मुख नहीं हुए, नहीं उद्धार हुआ, तो हमारे को खुद को करना पड़ेगा। ये खुद के करने की बात है, खुद आप उधर जाओ तो उसमें सहायता कर देंगे,
सहायता तो तीनों करते हैं, हमारे प्रेमी भी सहायता करेंगे, द्वेषी भी सहायता करेंगे, उदासीन रहते भी सहायता करेंगे, दुख में नहीं सुख में उद्धार में, दुख में दुख देने वाला नहीं है। कई दुष्ट सुखा वाले दुख में हेतु हो सकते हैं परिस्थिति में, पर दुख में हेतु कोई नहीं हो सकता। परिस्थिति दुखदाई भी आनंद देने वाली होती है अपने विचार से, अपने विचार से। बीमारी आती है, उस बीमारी को भी अगर तपस्या मान रहे तो कैसे दुख होगा। तपस्या में दुख होता है, पर दुख नहीं होता है, कष्ट होता है, परिश्रम होता है, परंतु दुख नहीं होता है। एक आदमी को अन्न मिला नहीं, एक आदमी ने उपवास किया, अवस्था दोनों की एक है, परंतु अन्न नहीं मिला वो दुखी है, अगर उपवास किया वो दुखी नहीं है, प्रसन्न है, क्या मैंने तपस्या करिए उपवास किया है, अच्छी बात है। तो वास्तव में सुख दुख के हेतु नहीं है तुझे, इसका उद्धरीन आत्मनात्मन अपने से अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये किस प्रसंग में आया है, कर्मियों के प्रसंग में आया है, जो कर्मों का ही फल है उसको दुख आदि। तो स्वयं अपना उद्धार करता है तो प्रतिकूल परिस्थिति उद्धार में कारण बनती है, अनुकूलता में तो कईयों का त्याग करना पड़ता है, धन मिला, संपत्ति मिली, कुटुंब मिला, सब प्यार करने वाले हैं, तो उससे निकलने में कष्ट पड़ता है, परिश्रम पड़ता है, ना अनुकूल स्त्री है, ना माँ बाप है, ना भाई बंधु है, ना कुटुंब में कोई अनुकूल नहीं है, ऐसी अवस्था में परमात्मा तरफ चलने में बड़ी सहायता मिलती, कैसे कैसे देंगे। मोह छोड़ना पड़ता है तो आजकल के छोरा कहना नहीं मानते, तो तुम्हारे को क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं, अगर इसका सदुपयोग करो तो बहुत ही मौज की बात है, बड़ी आनंद की बात है। मोह होगा वहां वो रोकेंगे, आप राजी हो जाएंगे, आप खत्म ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो वे भी सुखी हो जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। ऊपर से कुछ कहे बेशक, परंतु भीतर से जाने वाले बहुत कम है। तो उद्धार और पतन अपना आप ही करता है। प्रकृति को कहा जाए तो प्रकृति तो किसी सुख दुख में हेतु नहीं है। अब ठंडी आवे, कभी गर्मी आवे, कभी सर्दी आवे, कभी हवा चले, कभी वर्षा हो, कभी तपत हो, तो किसको सुख दो, तो वो तो स्वाद ही आप सुधा में है, उसमें आप सुख ले लो, दुख ले लो, कर मर्जिया लो। किसी व्यक्ति को कभी कोई परिस्थिति दुख नहीं देती, वो तो आती है चली जाती है, मैं ठहरती है ही नहीं, उसको तो सुख देने में भगत ही नहीं मिलता, वो तो समाप्ति की तरफ जा रही है, बड़ी धूम से अपनी तरफ जा रही है, खत्म हो रही है वो तो, उसको भगत कहा है आपको सुख देने में, आपकी तरफ देखने में भगत कहा है उसको, वो तो आप खत्म हो रही है अपनी। ऐसे कोई व्यक्ति भी सुख दुख कैसे देगा, और देगा तो कोई आपने ही गलती करी है जिससे देगा, वो मारपीट कर सकता है परंतु वो भी अपने कर्मों का फल है, और मारपीट से दुखी होना आपके आपका आदोष है, मारपीट करना नहीं है। एक सज्जन थे, उनको मैंने कहा मैं वो मारेंगे आप पीटेंगे तो कहते कई बार बुखार आता है, समझे एक बार बुखार हो रहा है क्या है इसमें, अब वो कैसे देखो, और दुख देता है वो पापों का नाश करता है, आपके प्रतिकूल जो कुछ चलता है वो आपके पापों का नाश करता है, और अनुकूल चलता है वो आपके पुण्यों का नाश करता है। तो आप पुण्यों की पूंजी रखना चाहते हैं, पापों की पूंजी रखना चाहते हैं, जब पापों को ही दूर करना हम चाहते हैं तो पापों के नाश में हेतु होता है, उसकी मन में उदारता नहीं है, मतलब आपके समझने की गुंजाइश है कि कितनी उदारता है,
वो पाप का भागी होकर के भी आपको दुख देता है तो आपके पापों का नाश करता है, कितनी जोखिम उठाई उसने आपको निष्पाप करने के लिए। और जिस सज्जना की दूध सज्जन की सज्जनता है, जो सुख देता है, आराम देता है, सेवा करता है, वो सेवा की है तो आपके पुण्यों का फल, परंतु उसका एहसान मानना चाहिए। और दुख देने वाले भी एहसान मानना चाहिए, हमारे पापों का नाश किया है, अगर ही विकास किया है। आप समाज में भी देखो, पांच सात दस वर्षों का लड़का है, दो लड़का है, बाप बाप दादा बदी मर गए, एक जीते हैं एक मर गए, बाप दादा माँ दादी सब जीते हैं और एक मर गए, कोई नहीं रहा। ये 25-30 वर्षों के हो गए, उन दोनों में होशियार कौन सा होगा, चतुर कौन होगा? जिस बाप बाप मर गए वो बाप दादा बैठे वो रह जगह से लाल प्यार में, उतना विकास नहीं होगा उसका। तो पूर्व के पापों का नाश और नया विकास, ये दुख में होता है, सुख में नहीं होता है। सुख में पूर्व के कर्मों का पुण्यों का नाश होता है और विकास में बाधा आती है, नया विकास नहीं होता। संत महात्माओं में भी बहुत संत ऐसे हुए हैं जो दुखदायी परिस्थिति में महाराज और भगवान में लगे हैं, ऐसे कम हुए हैं। सब तरह की परिस्थिति सुखदायी आराम सब अनुकूलता होते हुए भजन में लग गए, ऐसे थोड़े मिलेंगे, ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो प्रतिकूल परिस्थिति है। तो वो अपने उद्धार में हेतु होती है, ईश्वर है वो शुद्ध भेद कैसे होगा? सूर्य स्वरूप भूता नाम कहा जाए, सबका सूर्य है। सूर्य में मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है और सूर्य होता है आप उपकार करो चाहे ना करो वो तो कृपा करता ही है, सब सुख देता ही है। मंद कर जो करे भलाई, ऐसा ही भलाई करते हैं, मंद करने पर भी वो तो भलाई करते हैं, वो भगवान उद्धार में होता है। दुष्ट वितरेक से दुष्ट आपको प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके आपके पापों का नाश करता है, वो अनुकूलता से आपको सुख दे करके आपके कल्याण में सुविधा पैदा करता है। तो परमात्मा तो परम सूरत है सबके, प्राणी मात्र के परम सूरत परमात्मा है, तो परमात्मा कैसे सुख के कारण बन जाएंगे? आनंद के कारण है, सुख के कारण सुख है, दुख के कारण नहीं सुख है। तो दूसरा भी सुख दो कारण नहीं है, प्रकृति भी सुख दो कारण नहीं है, परमात्मा भी सुख दो के कारण नहीं है, स्वयं ही आप सुख दुख मान लेते हो। सुख दुख और चीज है, पीड़ा और चीज है, पीड़ा होती है जहाँ होती है वहाँ होती है, सुख दुख यह होता है भीतर में। जैसे कोई कांटा निकालता है तो संस्कार करते हो, पीड़ा हो रही है तो छोड़ दे ना, ना निकालो, तो मतलब क्या आप भीतर से राजी है, कोई कांटा निकलता है तो पीड़ा हो रही है प्रत्यक्ष में, कहते हैं भाई बहुत पीड़ा हो रही है ऐसा, और कहते छोड़ देगा ना ना छोड़ देगा, तो दुख में पाप रूपी कांटा निकलता है तो वैसे ठीक हो रहा है, उधर दृष्टि न होने से आप दुख मान लेते। कोई कर्जा आप मतहरा लेता है तो घर से रुपये खर्च होते हैं, खर्च होने पर कर्जा उतरता है कितना काम बढ़िया होता है, कर्जा उतर जाता है। तो दुखदायी परिस्थिति में तो आपके पापों का नाश है और नया विकास है, इस बार सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। नहीं आप अपना उद्देश्य बनाओ परमात्मा की प्राप्ति का, जो कि पहले से है बना था, जिस कारण से मनुष्य शरीर मिला है, पहले आपका उद्देश्य भगवान का उद्देश्य बना के ये जीव अपना कल्याण करे, उस उद्देश्य से दिया है, मन जन्म भूल गए
तब उसको याद करो अथवा मना लो कि हमें तो अपना कल्याण करना है भाई, सुख दुख भोगना नहीं है, ये भोग योनि नहीं है, भोग योनि पशु पक्षी तो भोग योनि है, ये तो साधन योनि है। मानव शरीर मिला है तो साधन करके सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाओ, कभी दुख नहीं हो, जन्म मरण ना हो, संताप ना हो, चौरासी लाख रूपी ना हो, नरक ना हो, इसका उद्योग अभी इस मनुष्य जन्म में होता है। तो मनुष्य जन्म मिला है केवल उद्धार के लिए, केवल कल्याण के लिए, भगवान ने दिया है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब युग करी कृपा करुणा नर दे देत ईश बिन हेतु स्ने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानुषिक देते हैं। तो मानुष ने कृपा कर दिया है कि अब तुम उद्धार कर लो, मौका दे दिया, वो उद्धार आप करो, अपना विचार आप करोगे। सत्संग मिलता है ये कर्म का फल नहीं है, ये अपने अभी उद्योग का फल है। आवे कोई कर्म आ जाए कोई ना आवे, मर्जी स्वतंत्रता है। तो ये मौका मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा संयोग मिला है। ये धन बुद्धि विद्या आदि से नहीं मिल सकता, क्या धनी आदमी को सत्संग मिल जाएगा? क्या सत्संग में धन कारण है? आपका विचार ही कारण है। तो आप जब विचार करोगे तो जल्दी उठ कर आगे दे तो कौन आवे, सोते नींद आवे मौत से आराम से। तो अपना ही उद्धार अपना करना है, अपने खुद ही आप खुद ही हेतु है। इस बात से उद्धरे आत्मनम नात्मानम अवसाद, ये अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्मैव हि आत्मनो बंधु, आत्मैव हि पुरात्मना, आत्मैव आत्मनो बंधु, अपना बंधु आप ही है और अपना बैरी आप ही है और कोई है ही नहीं। और के कारण से हमारा बंधन कैसे होगा? कारण गुण सोंगी जन्म सो ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। वो गुणों का संग आप करते हो, सत्व करो जो गुण करो तुम करो, वो गुण हेतु है तो आप करते हो। अब जितना अन्याय करते हैं पाप करते हैं आप करते हैं, कोई कराने वाला नहीं है। आपकी जो इच्छा है भोगों की, संग्रह की, सुख की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, आलसी वजू करते हो तो होता गलत। अगर आप विचार करें तो आपने पाप भी करेगा, कोई नहीं जबरदस्ती नहीं कराएगा। जबरदस्ती मारपीट कर सकता है तो उसने पाप का नाश होता है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपना उद्धार करना है। मानव जन्म मिल गया, अभी ये भगवान कृपा कर देते हैं मनुष्य शरीर, तो इसका सदुपयोग करके अपना उद्धार कर देना चाहिए। मोह में आकर के मकान बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं कि सुख हो जाएंगे। देखो ये जो संग्रह करना भोगों का, संग्रह करना भोग भोगना, ये मनुष्य कर्तव्य नहीं है। न्याय रीति से ठीक से अन्याय पूर्वक उसे कमाओ और पैसों का सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ। जितना लगा सको लगा दो, मर गए चलेगे, बस चलेगी तो चलेगी, अपने है जब ढूंढे अपने जिम्मेवारी, जब तक मनुष्य शरीर है वस्तु है तब तक है। आपस में भगवान करो, सेवा करो, सुबह सुख पहुंचाओ। जैसी आपकी स्थिति उस स्थिति के अनुसार दूसरों को आराम पहुंचाना, सुख देना, हित करना, अपनी दृष्टि से किसी का भी अपकार नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, किसी को दुख देना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं। इसी से ही सब परमात्मा है, ये बुद्धि से रहोगे
सुख देते हो, बुरा मानोगे किसी को तो परमानुभूति कैसे होगी? कोई बुरा है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस शुद्ध है परमात्मा। सो माया बस भय हुआ है, वह है उपस आगंतुक दोष है, किसी में भी दोष है वो दोष आगंतुक है, सदा से रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, और सबके लिए रहने वाला नहीं, और सब परिस्थिति में रहने वाला नहीं। कसाई का सुबह काटने का है तो माँ बाप को और स्त्री पुत्र को काटेगा, सब जगह नहीं चलती, वो बुराई सब जगह रहती ही नहीं, सब समय में रहती ही नहीं, सबके लिए रहती ही नहीं, सब देश काल की रहती है, और भलाई सब जगह रहती है, सबके लिए रहती है, सभी उसके भागीदार होते हैं, सबकी सेवा हो सकती है। तो परमात्मा की तरफ चलने में सभी स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, चाहे सुन प्राप्त कर सकता है। तो आत्म ही वही आत्मनो बंधु, आत्मा आत्म ही बंधु, अपना आप ही मेरा मित्र है, रात में ही वह रिपूरा आत्मा अपना रिपो आप ही है, दूसरा कैसे दे देगा? दूसरों वैर रखने वाले संसार में लिखा है कि सर्पाणांच खरानांच परद्रव्यापहारिणां अभिप्राय न सिद्धंति तेरे दो बद जगत। सर्पों का, डाकुओं का, चोरों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, और मन चाहिए नहीं होती, और मन चाहिए होती किसी को धनी रहना दे, उनकी मन चाहिए हो जाए तो किसी दूसरे को धन रहने देंगे, धनी बनना तीन तुम बरतते जगत, इस बात का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। उसको चोरी करने धन तो उसी को मिला जो धन मिलने वाला है, तो चोरी न करे तो न्याय से मिलेगा, चोरी का तो अन्याय से मिलेगा, तो अगड़ी पाप लगेगा, तो मिलने वाली चीज ही मिलेगी। प्राप्त विमर्थम लभते भविष्य दैव पितंग लंघयितुं न शक्तः तस्माद् न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। तो अपना जो बात है वो अपने को मिलेगा, अपने में अपने आने वाला बुखार दूसरे को आ जाएगा, अपने होने वाली बीमारी और को हो जाएगी, ऐसे अपने आने वाला धर्म पास आना है, पड़ा पड़ेगा उसको। आप काम में लगने बात मर्जी की है, पर तो आएगा, तो धन आएगा तो निर्धनता भी आएगी, निरोगता आएगी तो रोगता भी आएगी, अपमान आएगा तो मान भी आएगा, कीर्ति आएगी तो अपकीर्ति भी आएगी। ये तो हर मान जीवन मन जैसा मन जैसे दिया, सुनो भरत भावी प्रबल रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण चश विधियात, किसी हाथ में नहीं तो विधाता है, विधान का विधान है, विधान मंगल में होता है, विधान जो विधाता परमात्मा है वो सुख दुख का फल देता है, तो कृपा पूर्वक देता है, मंगलमय देता है, वो सब में मंगल मंगल, दुख में सुख में सब मंगल भरा हुआ है, सब में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, कृपा ही कृपा भरी हुई है। वैद्य चाहे कड़वी दवाई दे चाहे मीठी दवाई दे, आपके निरोग तक ले देता है, ऐसे भगवान का विधान मात्र कल्याण के लिए होता है, उद्धार के लिए होता है, हम मान लेते हैं। सुनो लाल ने पाल ने मातु नाकारुणी में था, जिस बालक के लाल बालक में कभी थप्पड़ लेने में भी माँ की कमाई होती, कृपा होती, माँ की कृपा दो तरह से होती है, कभी उसके अनुकूल कभी धमकाने में प्रतिकूल, तो दो रूप तो उस बच्चे के लिए आते हैं, भीतर का माँ का जो दया का कृपा रूप हो तो अखंड बनाता है, एक ही बना रहता है उस बच्चे का सुधार, ऐसे माँ का तो ऐसे रहता है, भगवान का भी ऐसे ही मात्र प्राणी की तरफ, प्राणी के हित के तरफ ही दृष्टि रहती है। इस वास्ते भगवान का विधान मंगलमय ही होता है,
चाहे हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे, मंगलमय है। इस बात के अग्रुष में हाँ में हाँ गया अग्रुष बहुत ठीक है। और तो संग्रह करने की इच्छा है वो यदि संग्रह थोड़ी हो जाएगा, संग्रह करने की इच्छा से नहीं होगा, वो तो पहले विधान बना है उसी अनुसार होगा। तो उद्योग करे इच्छा क्यों करे, इच्छा के अधीन तो है नहीं, परिश्रम करो उद्योग करो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नफा देने जाते हैं घाटा खाते हो नहीं, तो नफा आपके हाथ में तो घाटा खाओ मत कभी, भाई ना करो संग्रह। उत्तर मन में अधिक से अधिक संग्रह करने की इच्छा होती है, ये कैसे? ये तो विचार से मिटे, संग्रह की इच्छा से संग्रह हो जाएगा क्या ये पूछता हूँ मैं, संग्रह करने की इच्छा से संग्रह हो जाएगा? इतने बैठे हो बताओ भाई, तो संग्रह की इच्छा से संग्रह हो जाएगा, हाथ की बात नहीं तो संग्रह की इच्छा करें ही क्यों, जो इच्छा हाथ की बात नहीं वो करेंगे आप नहीं होगा दुख होगा। देखो पवित्र जीवन वो है ना संग्रह की इच्छा है ना कोई कर्जे की इच्छा है, ना कर्जा करे ना संग्रह करे, आ जाए तो संग्रह कर लिया अच्छे काम में लगा, अपने संग्रह करने का उद्देश्य बिल्कुल न रखे। कैसे करें ये तो विचार की बात है, कैसे वैसे नहीं चलता, संग्रह की इच्छा का त्याग कैसे करें, कैसे वैसे नहीं चलते इसमें, कैसे कोई काम करना हो चल इस तरीके से करो ये इस तरीके से करो, काम करने में बात होती है, इच्छा का त्याग तो इच्छा नहीं करी रो गया इसमें तरीका सो गई, इसमें विद्या थोड़ी सीखनी है, इसमें तो अपने संग्रह की इच्छा नहीं रखना है भाई, संग्रह की इच्छा न रखने पर भी संग्रह होने वाला हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। ऐसी अवस्था में हमने देखी हमारे सामने बीती है, हमने वाला आ जाएगी तो पर अपने तो उद्धार करना है कल्याण करना है, संग्रह वगैरह भाई नहीं, संग्रह में आसक्ति है भोगों में ही तो आसक्ति, तो संग्रह की आसक्ति भोगों में आसक्ति यही बंधन करने वाली था। नारायण 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 नारायण।